नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। महादेव का प्रिय सावन महीने का शुरुआत हो चुका है और आपको बता दें कि सुल्तानगंज में बाबा भोले के भक्त का भारी भीड़ देखने को मिला। 1 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने गंगा में स्नान करके जल लेकर देवघर के लिए प्रस्थान किए। महादेव को प्रिय सावन महीने की शुरुआत आज से हो गई है। सुल्तानगंज में पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में भी बाबा पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। कई प्रदेश के कांवड़िया गंगा जल लेकर बाबा धाम जाने के लिए सुल्तानगंज पहुंचे और केसरिया वस्त्रधारी शिव भक्तों और बोलबम के जयकारे से सुल्तानगंज का माहौल पूरी तरह बोलबम के रंग में रंग गया है। लगभग 1 लाख कांवड़िया ने गंगा जल लेकर बाबा धाम को प्रस्थान किया। साथ ही साथ बताते चले कि श्रावणी मेला का उद्घाटन आज से हो चुका है। उद्घाटन की सारी तैयारी कर ली गई है। मेला उद्घाटन के बाद अनवरत गंगा धाम से बाबा धाम तक कांवड़ियों का रैला उमड़ेगा और सुल्तानगंज से बाबा धाम की लगभग 98 किलोमीटर देश विदेश के कांवड़ियों से पटा रहेगा। बोलबम की गूंज से हर कोई भक्ति के रंग में रंग गया है, यानी कि पूरा का पूरा सुल्तानगंज भक्ति के रंग में रंग चुका है। शिव देवों के देव हैं, उनकी शरण में जाने के लिए सभी आतुर हो गए हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए हर जगह अस्थायी दुकान खुल चुकी है। जिला प्रशासन कांवड़ियों के सुख सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। हालांकि आनन फानन की व्यवस्था से ही कांवड़ियों को संतुष्ट रहना पड़ेगा। प्रशासन हर साल की तरह इस साल भी शौचालय, पेयजल और रोशनी, सफाई, ठहराव, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था की है। साथ ही साथ बता दें कि अजगैबीनाथ मंदिर सज धज कर तैयार है। कांवड़ियों का जत्था आना शुरू हो चुका है। घाट पर नेपाल, दार्जिलिंग, बंगाल और आसाम सहित बिहार झारखंड के कांवड़िया का जत्था सुल्तानगंज पहुंचा। सभी कांवड़िया गंगा में डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना कर बाबा धाम पैदल यात्रा पर निकले। अजगैबीनाथ मंदिर घाट पर कांवड़िया को जल भरने में परेशानी हुई। वहीं कांवड़िया ने बताया कि पक्की घाट पर व्यवस्था थोड़ी अच्छी है और अजगैबीनाथ मंदिर घाट कच्चा घाट है। यहाँ गंगा स्नान में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और घाट पर फिसलन है। जल लेकर गंगा से बाहर निकलना मुश्किल हो रही है। श्रावणी मेला के दौरान आने वाले कांवड़िया में सेल्फी का क्रेज बढ़ रहा है। हर दिन दूर दूर से पहुँचे कांवड़िया गंगा तट और जल भरने के बाद मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं। एक दिन में कांवड़ियों का काफी भीड़ देखने को मिला। लगभग 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने गंगा स्नान करके देवघर के लिए प्रस्थान किए। इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन का खासा इंतजाम वहाँ देखने को मिला। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम वहाँ देखने को मिला। शौचालय से लेकर वहाँ पर खान पान की व्यवस्था की गई सुल्तानगंज में और दुकान भी कई सारे देखने को मिले। तो शिव भक्ति में सब लीन हो गए हैं और सुल्तानगंज पूरा भक्तिमय हो चुका है। तो फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ फाउंडेशन, नमस्कार।